एक बार फिर तो मनभागी खबर कैनेडा तो सामने आ रही है जिथे कि एक नौजवान की मौत होंदी है। 19 साल नौजवान गुरजोत सिंह जो कि अपने वधिया भविख वास्ते अपने आप नूं अगे वधाउण वास्ते रोजी रोटी कमाउण वास्ते या फिर पढ़ाई लिखाई करन वास्ते कैनेडा वाल रुक करता है, विदेश का रुख करता है। हाले महीना भी नहीं होया हुंदा पूरा कैनेडा गए नूं, लेकिन मौत हुंदी है। तो मौत का कारण हार्ट अटैक दस्या जा रहा है कि 26 दिन पहला 11 जनवरी नूं ये नौजवान गुरजोत कैनेडा जाता है तो कैनेडा जाके जिहड़ा उत्थे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है, लेकिन 26 दिन बाद घर दे विच मातम का माहौल छा जाता है जब पता लगता है कि इकलौता पुत 19 साल का इकलौता पुत विदेश दे विच उसकी मौत हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि विदेश विच गए नौजवान अपने खाण पीन का जिहड़ा ध्यान नहीं रखते या फिर विदेश दे विच कल्ले होण करके किते ना किते काफ़ी ज़्यादा तनाव विच रहिंदे, ते जिस तों बाद अजिहे मामले काफ़ी ज़्यादा देखण नूं मिलते हैं कि विदेशां दे विच नौजवानां दीआं पंजाबीआं दीआं मौतां हुंदीआं ने। ते इक वार फिर तो अजिही मनभागी खबर देखण नूं मिल रही है। बख्शीवाला दा रहण वाला दस्सिया जा रिहा है नौजवान, ते बख्शीवाल दा रहण वाला इस नौजवान दी जिहड़ी है मौत हुंदी है। पंजाब दा रहण वाला इस नौजवान जिहड़ा है कैनेडा दे विच दम तोड़ दिंदा है। महीना नहीं होया हुंदा विदेश गए नूं तां परिवार दा रो रो के बुरा हाल हुंदा है। 19 साल दे नौजवान नूं बच्चे नूं इकलौते पुत नूं परिवार जिहड़ा है विदेश भेजदा है तां जो वधिया पढ़ाई लिखाई करके विदेश दे विच रोजी रोटी कमा सके, अपने भविख बारे सोच सके, लेकिन 26 दिन बाद यानी कि अज जिहड़ी इस दी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हुंदा है। तां डाक्टरां दे वल्लों जिहड़ा दस्या गया है, जानकारी मिली है कि नौजवान नूं हार्ट अटैक हुंदा है, साह रुक जाता है, तां जिस तों बाद नौजवान दी मौके ते ही मौत हुंदी है। परिवार दे वल्लों जिहड़ा लगातार अपील की जा रही है सरकार नूं कि साडे बच्चे दी लाश जिहड़ी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ TVNRI।